हाँ भाई साहब, ए कमल जी, प्यार और उमंग और तरंग और मस्ती किसी उम्र की बंधन में नहीं बंधी है। ये हमेशा से हमेशा के उम्र के लिए खुली हुई चीज़ है। इससे इंसान जिंदा रहता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो मज़ा आया ये फिल्म। वाकई में इतना आंखों देखी कड़वी हवा, ढोंडू जस्से लैंड, गोलमाल और धमाल, इसके बीच में एक ब्रीज है, फ्रेश ब्रीज है, अच्छी फिल्म। मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में जो मेरी पत्नी का नाम है किरण, वो मेरे रियल लाइफ पत्नी का भी नाम किरण है। ये फिल्म हर हस्बैंड वाइफ इंटरवल तक यही होता रहेगा, देखो यही देखो, ये सेम सेम टू सेम तुम्हें ही देख के लिखा है, ये देख रहे हो, हर हर वाइफ बोलेगी अपने हस्बैंड को। और पिक्चर देखने के बाद वाइफ कुछ चेंज पाएगी हस्बैंड में, हस्बैंड कुछ चेंज पाएगा वाइफ में। या दैट ये फिल्म का मजा है, वही है। बॉलीवुड में जोड़े अगर हो गए ना गुरु, तो वो प्यार का मामला लड़ जाएगा कि बॉलीवुड में मैं वहाँ क्यों जाऊँ। मेरे माता पिता ऐसे दो जोड़ी हैं जिन्होंने कभी बच्चों को ये पता नहीं चलने दिया कि इतनी तनख्वाह में वो कैसे हमें पाल ले गए, कैसे दूध पिला ले गए, कैसे मटन भी खिला दिया, कैसे फिल्म भी दिखा दिया और एक जगह तक खड़ा कर दिया। उन दोनों का एक अजीब सा बंधन, मेरे माता पिता, मुझे वो बहुत बेहतरीन लगते हैं। इसको बॉलीवुड हॉलीवुड में मत जोड़ें, कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपको, मेरे माता पिता का रिश्ता। बनारस शुरू से मेरा करीबी शहर रहा है, मेरे दिल में रहा है, मेरे में रहा है। वहाँ काम करना एक अपने आप में एनर्जी होती है, चाहे वो मसान हो चाहे या ये पिक्चर हो। खुशकिस्मत एक्टर हूँ कि वो स्टेज मुझे मिलता है बनारस, तो वहाँ काम करने का एक अपना अलग मज़ा है और मैं तुरंत बनारसी हो जाता हूँ, तो वो पिक्चर में दिखता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं उसको। देखो, मैं इन प्रतिक्रियाओं पर क्रिया मतलब देता नहीं हूँ, इन क्रियाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना संसार है, तो कौन क्या कहता है मेरे लिए कभी वो इम्पोर्टेंट रहा नहीं। सिर्फ हमारे ही इंडस्ट्री में क्यों यार, हर तरफ महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, हर तरफ हर मर्द की इज्जत होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए जो इज्जत के काबिल है। सिर्फ महिलाएं क्यों, हर एक बच्चों की इज्जत होनी चाहिए, आपके ज़मीन की इज्जत होनी चाहिए, आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह की इज्जत होनी चाहिए, सिर्फ हर एक की, मेरा ऐसा सोचना है। मैं बहुत बनाई हुई चीज़ों पर सोचता नहीं, बहुत सी बनी बनाई चीज़ें तो शायद नहीं सोचता, इतनी अकल नहीं है मुझमें। थैंक यू सर।